उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी कल्याण सिंह का ऋणी है। बाबूजी के नेतृत्व में पहली बार प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कल्याण सिंह पिछड़ों के कल्याण और राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह 1.5 मिनट पर नगर के 12 पत्थर मैदान में 1:09 बजे भारत के भाजपा में एटा लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया के चुनावी जनसभा में पहुंचे। उन्होंने भगवान वराह चामुंडा मंदिर शीतला देवी को याद करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का है तो दूसरा राम मंदिर बनाने वालों का, इसलिए आपको तय करना है कार सेवकों पर गोली चलाने वाले पार्टी सपा को वोट देता है या राम मंदिर बनाने वालों को। मैं अखिलेश ये पूछना चाहता हूं कि आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश, डिंपल, निमंत्रण मिला लेकिन कोई अयोध्या नहीं आया क्योंकि उन्हें मालूम है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। मोदी की गारंटी है एससी एसटी और आरक्षण भाजपा कभी हटाने नहीं देगी। राहुल बाबा, झूठ फैलाने का काम बंद करो, ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम आपने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। एटा वाले गारंटी से कहता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 2029 तक मिलता रहेगा, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। करोड़ों घरों में गैस का चूल्हा दिया, नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों का 5 लाख रुपए तक की फ्री कास्ट इलाज देने का काम किया। अब तक मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को घर दे चुके हैं। 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। और एटा वालों, एक मोदी गारंटी कह देता हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। करोड़ों घरों में गैस का चूल्हा दिया, नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम किया। और बाद में कई सारे लोगों को घर दिया। अब तक मोदी जी 3 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर